शाहनवाज की एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जिसमें देखा जा सकता है, वो वीडियो भी साथ साथ चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं शाहनवाज डांस कर रहा है और ये पीछे बैठे हुए हैं। शाहनवाज को शौक था वन व्हीलिंग, ठीक है, तो सिर्फ वन व्हीलर था बस। 11 साल से दुश्मन बहुत ज्यादा बनाए, दोस्त बहुत कम बनाए। 2 सालों में दुश्मन बन गए थे। क्या वजह बनी है ऐसी, क्या वजह? देख नहीं सकते थे इसको ना, कि ये इतनी इसकी गेम क्यों है, कि शाहनवाज आएगा तब हम निकलेंगे। कोई चीज़ उससे बरामद नहीं हुई थी, लोगों ने पैसे दे के ना उसको पसवा दिया था। तो अब जो हादसा हुआ ना, इससे पहले भी 6 गोलियां चलाई हैं DHA, वहाँ से बच के ना इधर आया। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से, मैं हूं फैसल खान सूरी, मेरे साथ शेर हमजा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बचपन में कफालत शाहनवाज की थी और बचपन में इन्होंने पाला, संभाला, केयर की और आज उस मुकाम तक पहुंचा था कि वो पाकिस्तानी स्टार बन चुका था, बहुत से लोग उसको जानते थे। शाहनवाज की एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जा सकता है, वो वीडियो भी साथ साथ चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं शाहनवाज डांस कर रहा है और ये पीछे बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह का लड़का था और कैसी हरकत थी उसकी बचपन में। सर कैसे मिजाज है? शाहनवाज को शौक था वन व्हीलिंग, ठीक है, तो सिर्फ वन व्हीलर था बस। तो जो लड़के तो होते थे ना इसके साथ, दूसरे हार बाजी रखते थे शाहनवाज के साथ। कितने अरसे से वन व्हीलिंग कर रहा था? ये कर रहा है उस टाइम 11 साल। 11 साल से? 11 साल से दुश्मन बहुत ज्यादा बनाए, दोस्त बहुत कम बनाए। 2 सालों में दुश्मन बन गए थे। क्या वजह बनी है ऐसी, क्या वजह? देख नहीं सकते थे इसको ना, कि ये इतनी इसकी गेम क्यों है। अच्छा, मैंने देखा जब वो बाहर निकलता था बाइक लेकर, तो पीछे हजारों लोग निकल आते थे। ऐसे ही है, 700-800 लड़के, 1500 ऐसे लड़के इंतजार कर रहे होते थे इसकी, कि शाहनवाज आएगा तब हम निकलेंगे। DHA भी रोड मारते थे हम ना, काफी लड़के वहाँ पे पंप भी खड़े होते थे। अच्छा, बचपन में जब वो आपके पास रहा करता था, लोकेशन यही थी? लाहौर की? लाहौर में रहता था। हाँ, लाहौर। तो स्कूल वगैरह जाने का शौक था? नहीं नहीं, सिर्फ वन व्हीलिंग। लात टूट गई थी, फिर भी ये कह, डॉक्टर ने कहा, कहता 6 महीने आप घर पे बैठो। उसने कहा नहीं, मैं गेम करनी है फिर भी। तो मैंने समझाया नहीं कि कमाई का कोई जरिया बनाओ, कमाओ, पढ़ो? नहीं, वो कहता ना तो मैंने पढ़ना है ना कुछ, सिर्फ वन व्हीलिंग का मुझे शौक है, इस पर मैंने वन व्हीलिंग करना है। जब पकड़ा गया था वो समझ ले कि ना, वो कोई चीज़ उससे बरामद नहीं हुई थी, लोगों ने पैसे दे के ना उसको पसवा दिया था, कि ये लड़का फंस जाए बस। अच्छा, लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके पास गन भी थी, उसके पास चरस भी हुआ करती थी। नहीं नहीं नहीं, ना तो आज तक उसने चरस भी ना कोई नशा, सिर्फ GM कभी कभी खाता था बस। अच्छा। ये था तो 3 हफ्ते पहले ये यहाँ पे कसूर पे गया, लड़के आए, इसको फायर भी मारा, लेकिन बचा हो गया। अच्छा, तब भी मारा था फायर? हाँ। तो अब जो हादसा हुआ ना, इससे पहले भी 6 गोलियां चलाई हैं DHA, वहाँ से बच के ना इधर आया। तो एक लड़के को टांग पे गोली लग गई थी, तो फिर एक साथ लड़का था दोस्त, उसने ना बुला के किस तरीके से इसको ना यहाँ पे लेके गया शाहपुर के पास, तो मुकबर इसके पीछे पीछे थे, तो फिर वहाँ से जाके ना उन्होंने फैर मार दी। अच्छा, शाहनवाज को बचपन में आपने पाला, कोई ऐसी आदत उसकी जो आपको बहुत तंग करती हो या बहुत खुश करती हो? यही हरकतें करता था, मुझे कभी कभी तंग कर लेता था, छेड़ता था। मैं समझ लो कि ना बुरा काम नहीं करता, ना चोरी करता था ना कुछ, सिर्फ मेरी नसीहत सुनता था। मैंने इसको कहता था कि 2 नंबर लड़कों के साथ ना तो फिरना है अपने, ना उनके साथ जाना है। बड़ों का एहतराम करता करता था, हर किसी के साथ अच्छा था, हर किसी के समझ लो कि ना करता था। फजूल खर्च था या लोगों की मदद करने वाला था? यही था, लोगों की मदद मदद करता था, करता था। कोई ऐसा वाक्य? ये भी कहना चाहता था कि एक मैं नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ, और मुझे कोई लालच नहीं है कि देखो हर जगह पे ना लोगों को ना सपोर्ट मिली है वन व्हीलिंग के, तो हम मुझे ये चाहिए कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, बस इसको ये लालच दी। तो एंड अकेले में बैठ के कभी देखा कि वो रो रहा है या उदास है? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं था, वो ऐसे नहीं रोता। कभी दरबारों वगैरह पे जाना था उसका? हाँ, वो चक्कर लगाता था दरबार में कभी कभी, असल ज़्यादा टाइम ये वन व्हीलिंग पे लगाता था बस। कितने घंटे दिया करता था वन व्हीलिंग पे? यही समझ लो कि 5 घंटे भी लगाता था, 8 घंटे भी, वो समझ लो कि बिल्कुल थकता ही नहीं था। बिल्कुल जी, आज उस शख्स से भी मिलवा दिया जिस शख्स ने कफालत की शाहनवाज की, उसकी भी गवाही दिलवा दी हमने, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा शाहनवाज को ये मालूम नहीं पड़ता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।